हाय टिंग टोंग यात्रीगण कृपया ध्यान दें रनवे 34 की जो फ्लाइट है वो कपिल शर्मा शो पे लैंड कर चुकी है मैं हूँ आपकी एयर होस्टेस सपना आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो कोई तकलीफ हो अपना अपना देख लेना यहाँ कुछ भी नहीं है फिर कैसे क्या बात है बहुत पायलट लोग आए इधर पायलट है ना कप्पू वाह वाह कैसे आप सर अपना आप थोड़ा कमेंट्री चेंज करो ना पायलट लोग जो बोलते हैं क्यों ये बोलते हैं ना 35,000 फीट पे हम लोग ऊपर उड़ रहे हैं हाँ हमको काहे को बताते हम क्या बाहर जाके नापते हैं क्या उसको हमको बताने का कोई जरूरत नहीं है आप 20,000 पे उड़ाओ जहाँ का टिकट लिया है बस पहुँचा दो वहाँ तक ऐसा रहता है हम लोग है ना हाय अजय सर हेलो 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 अजय सर पहचाना तू जयकांत शिखर है तेरे को पहचानेंगे क्या अरे नहीं नहीं दिल वाले पिक्चर में बोलते थे ना अजय सर सपना आई लव यू हे सपना आई लव यू ऐसा करके बोलते थे तो वो रवीना टंडन के लिए बोलते थे तेरे लिए भी हाँ तो मेरा टंडन क्या रवीना से कम है क्या मैं भी है कि नहीं सही बोली ना मैं भी खूबसूरत हूँ अच्छा अजय सर को तो मैं मिली हूँ रकुल जी आपको भी मिले ली हूँ और ये दो हीरोइने लोग को मेरे को रिप्रोड्यूस करना क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस करना मेरे को ये बहुत फालतू औरत है इतनी बड़ी है ना ज्योतिष इसका हाथ भी देखता है ना तो उसके हाथ में बैठ के देखता है और 3 घंटे ये खड़ी रहे तो इसकी दाढ़ी निकल आती है ये इसकी इंट्रोडक्शन है तू एयर होस्टेस कैसे बन गई तू वैसे ही जैसे अजय सर पायलट बने है ना वो तो फिल्म के लिए बने है ना हाँ तो मैं भी फिल्म के प्रमोशन के लिए एयर होस्टेस बनी हूँ हम लोग का तो आप जानते हैं ना अजय सर ऐसे ही रहता है जो भी पिक्चर आती है जिस टाइप की रहती है मैं ऐसा कुछ ना कुछ बन के आ जाती हूँ ऐसे तो जब उनकी सन ऑफ सरदार आई थी तब घोड़ा क्यों नहीं बनी इतना अच्छा तेरा घोड़े जैसा मुंह है नहीं तब मेरे को घोड़ा बनना आता नहीं था अभी मैंने सीख लिया है कैसे आपको दिखाऊं अजय सर करके हाँ ये देखो घोड़ा अजय सर तो अजय सर जब सन ऑफ सरदार 2 आएंगे ना मेरे को घोड़े का रोल देना है ठीक है खैर एनीवे वो सन ऑफ सरदार तो हिट पिक्चर थी ये भी पिक्चर आपकी सुपर हिट होएंगी क्या ट्रेलर है पिक्चर का बहुत अच्छा लगा आप सबको कॉन्ग्रेट्स थैंक यू और आपकी पिक्चर को नजर ना लगे आपकी बड़ी वाली गाड़ी है ना वो फ्राइड राइस तो वो गाड़ी पे अजय सर ये मिर्ची और संतरा लटका देंगे ना ये तो संतरा है नींबू का ये क्या ये तो संतरा है हाँ तो नींबू मिर्ची लगाते हैं अबे वो दिन गए जब नींबू लटकते थे नींबू के भाव बहुत बढ़ गए कप्पू हाँ अजय सर आजकल नींबू तो खुद बोलता है कि मैं लटकेगा नहीं साला लेकिन अजय सर ये मेरी तरफ से आप गिफ्ट रखो अच्छा बांध देना आप हैं थैंक यू खैर आप लोगों को ना नजर भी बहुत लगती है ना इतना अच्छा काम करते हैं अजय सर जैसा आर्टिस्ट नहीं है ये पहले हीरो हैं जिन्होंने महेश भट्ट साहब को कंपटीशन दिए लाए कैसे अरे वो तो सिर्फ सड़क और फुटपाथ बनाने में बिजी रहे रनवे का पूरा ठेका इनको मिल गया है कमाल है अजय सर ये सर इसका मैं क्या करूं ये इसकी हरकतें ऐसी हैं उस दिन ये RRR देखने गई RRR तो बोलती टिकट दे दो कहते 900 रुपए की कहती मेरे पास 300 ही है एक ही आर दिखा दो खैर आकांक्षा जी मैं आपकी भी पिक्चर देख ली थी आपने इससे पहले आलिया भट्ट के साथ काम किया था ना जी देखो कमाल है इन्होंने आलिया भट्ट के साथ काम किया उनकी शादी हो गई मेरे साथ भी काम करो ना आप ताकि तेरी भी शादी कर ली शादी ने मेरे को पैसा चाहिए पैसा नहीं है घर पे मेरे को पैसा दो ना नहीं सच्ची में मेरा ना सच्ची में शादी पर से ना विश्वास उठ गया है क्यों मेरी ना शादी हुई थी अजय सर विश्वास मिश्रा नाम के आदमी से ठीक है तो हम मंडप पे बैठे थे उसने मेरा थोपड़ा देखा विश्वास उठ गया और चला गया इसलिए मैं बोली सपना इधर करने क्या आई थी मेरे को ना सर एयर होस्टेस का जॉब दे दो ना हमारे घर की हालत भी ठीक नहीं है मेरे जो बाबूजी है ना उन्होंने बेड पकड़ लिया
बीमार हो गए? नहीं बीमार नहीं, बेड टूट गया ना, उन्होंने पकड़ लिया, मैं ऐसा बोल रही हूँ। वो ऐसी पोजीशन पे ऐसे ही पकड़ के खड़े है वो। तो नया ले लो। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए नया बाबूजी थोड़ी लेंगे, क्या बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ बेड नया ले लो ना। अरे नहीं, काहे को, बड़े सालों बाद बाबूजी को कोई काम मिला है। हाँ तो मैं उनसे काम नहीं छीनूंगी, उनके पेट पे लात नहीं मारूंगी। सपना तू चल निकल यहाँ से, उनको कोई एयर होस्टेस नहीं चाहिए, चलो। नहीं ना। अच्छा सर, अजय सर आप तो अभी बहुत प्रोड्यूसर भी बन गए ले ना, तो हमारी कुछ फिल्में हैं, मैं चाहती हूँ आप प्रोड्यूस करो। कौन सी है? तो इसमें पैसा लगेंगे, गारंटीड पैसा आएगा। अच्छा कौन सी फिल्म है? सुना, सुना। सर एक एक पारिवारिक फिल्म है। सैया नौकरी करने गए ढाका और भाभी ने पीछे से खोल दिया टोल नाका, ऐसा करके। नहीं आपको ये अच्छा नहीं लगा तो और भी है हमारे पास में। एक और पिक्चर है, काम वाली बाई कांच तोड़ गई, मेहरारू भैया को छोड़ गई। नहीं क्या घटिया टाइटल लेके आ गई यहाँ पे। अच्छा कोई नहीं, तो फिर मैं मसाज कर देती हूँ। हाँ मेरा मसाज पार्लर तो आपको मालूम है ना अजय सर, हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है, लेकिन खास आज आप लोगों के लिए रनवे 34 मसाज है। अच्छा। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, 200 आदमी पार्लर के बाहर आ जाते हैं, 200 आदमी एक साथ बोले मेरा मसाज करो, मेरा मसाज, छोटा सा पार्लर है हमारा, कैसा मसाज करेंगे? मैं उनको एयरपोर्ट पे लेके जाती हूँ, ठीक है? रनवे पे 200 आदमी को हम खड़ा करते हैं। अच्छा। उनके तलवे पे मैं ऐसा तेल लगाती हूँ और उनको बोलती हूँ भाग, जो फर्स्ट आएगा उसका मसाज होएगा, ऐसा करके वो लोग 200 आदमी भागना चालू करते हैं, ठीक है? तो जैसे भागते हैं 15 इधर गिरते, 6 उधर गिरते, 19 उधर गिरते, 23 उधर गिरते, टोटल कितने हुए? यही ना, इनका शो पे ध्यान नहीं रहता, फिर बोलते यूएसए नहीं ले जा रहे, ये क्या है? यही छह पंगा। टोटल हुए 34। अच्छा। फिर वो 34 लोग का मैं मसाज करती है, ऐसा है रनवे 34 मसाज। तो अजय सर मैं चलती हूँ, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, वेरी नाइस, आपकी पिक्चर सुपर हिट होंगी। थैंक यू। मैं मेरे को जाने का है, वो हमारे आते हैं ना अलग अलग लोग मसाज करने, पंकज उदास जी आए थे। फिर? हाँ, वो जाते जाते अपना उदास छोड़ गए। तो अभी वो उदास छोड़ गए, उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया, वो तो खुश थे। तो वो खुशी खुशी में ना रणबीर और आलिया की शादी पे चले गए। अच्छा। और वहां उनको किसी ने गाने के लिए बोला ही नहीं, तो वो उदास हो गए। अब वो ढंग से उदास हो ही नहीं पा रहे, क्योंकि उदास तो मेरे पास है। तो मैं उनको उदास देके आती हूँ, ठीक है?